नमस्कार। बीए भाग द्वितीय के विद्यार्थियों के लिए यह प्रैक्टिकल क्लास का व्याख्यान है। आज मैं आपको राग रागेश्वरी की विलंबित गत, जिसके बारे में मैं पहले आपको पीडीएफ नोट्स भी दे चुका हूं और इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं कि यह गत किस प्रकार से बजाई जाएगी पहले के व्याख्यानों में, आप उसको रेफ़र कीजिए। और आप जब यह व्याख्यान सुन रहे हो तो आपके सामने वह गत जो पीडीएफ की है वह आपके सामने लिखी हुई होनी चाहिए, तो उसको आप एक बार सब अपने सामने रख लीजिए, फिर उसके बाद हम ये व्याख्यान शुरू करते हैं। तो विलंबित गत यानी मसीद खानी गत, राग रागेश्वरी। रागेश्वरी के स्वर आपको मालूम है, सा, आरोह में रे वर्जित है तो सा ग म, प सर्वथा वर्जित है, प आएगा ही नहीं, ध और नी कोमल है, आरोह क्या हुआ, सा ग म ध नी सा नी ध ग म रे। ग वक्र है इसलिए ग म रे सा आएगा, म ग रे सा ये नहीं आएगा, परंतु कोई द्रुत गति की तानों में आपको म ग रे सा यूज करने की भी छूट है, परंतु आरोह अवरोह जब अवरोह बजाएंगे तो सा नी ध म ग, फिर म पर वापस आके रे। तो आपको जो मसीद खानी गत त्रिताल की बताई थी वह विलंबित गत है, तो मैं आपको तबले पर उसके ठेका सुनाता हूँ। पहले धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा, एक दो, बारहवीं मात्रा से है शुरू, पांच छः सात आठ धा तीन तीन, ये दो तीन ध्यान रखें, इसके बाद में शुरू होगा, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, बारहवीं से शुरू, एक पहली मात्रा सम कहां पे है, सा पे, सात आठ नौ दस ग्यारह, ग म रे सा सा ग रे सा सा ग म रे। अब आपको मैं जैसे बता चुका हूं कि जहां पे गत में एक स्वर लिखा हुआ है वहां पे आपको बाद में चिकारी लगानी है, और जहां पे दो स्वर लिखे हुए हैं उसमें देर से बजाना है। नौ दस ग्यारह देखिए, जहां जहां एक स्वर है, एक मात्रा में एक स्वर है, वहां पे दूसरा चिकारी के साथ हमको उसको फिल करना है। गामा, जैसे ये गामा दो स्वर है तो वहां हमें चिकारी नहीं लगानी, लेकिन गामा रे तो रे अकेला है तो यहां पे हमें चिकारी बजानी पड़ेगी। पहली मात्रा से देखते हैं इसको, सा आ सा आ सा आ धा नी सा जहां पे बोल रहा हूं वहां पे चिकारी है। आ तीन तीन गामा गामा मंदिर
अब इसके राइट हैंड के बोल देखिए कैसे हैं, छ सात आठ नौ दस ग्यारह, बोल देखिए स्वर है वहां पे चिकारी है, जहां पे दो स्वर है वहां पे देर से बजाना है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसको पर्दों का भी और ध्यान दीजिए कौन कौन से पर्दे यूज होते हैं। धा कोमलनी सा, ये मंद्र सप्तक के धा और नी, जहां पे नीचे बिंदी है वो मंद्र सप्तक है, जहां पे ऊपर बिंदी है वो तार सप्तक है। वो अभी स्थाई में यूज नहीं हुआ है तार सप्तक। फिर से देखिए सा ध नी सा, ये जो हिस्सा है इसे स्थाई का मुखड़ा कहते हैं, गत का मुखड़ा है। क्या कहते हैं? गत का मुखड़ा। तीन तीन, ये देखिए मुखड़ा ग म री सा सा। आपको कहें कि मुखड़ा कौन सी मात्रा से है तो आप बताएंगे बारहवीं मात्रा से मुखड़ा। सम कहां पे होता है? हमेशा पहली मात्रा से। एक बार और इसको देख लीजिए, तीन तीन ग म री रागेश्वरी की विलंबित गत या मसीतकानी गत की स्थाई को बजाना इस कक्षा में सीखा है। इसकी स्थाई का जो दूसरी लाइन है जिसे मंझा कहते हैं, उस पर हम अगले व्याख्यान में आएंगे। और आप जब इसकी प्रैक्टिस करें तो आपके सामने पीडीएफ के नोट्स रखें इस गत के, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। और इससे पहले के व्याख्यान में मैं इसको समझा भी चुका हूँ कि इस प्रकार से इसको आपको बारहवीं मात्रा से बजाना है। तो उन दोनों चीज़ों को आप पहले इस व्याख्यान से पहले अच्छी तरह देख लें।